हाय आप फ्रेंड्स आपका मेरे चैनल टेक्निकल के डियर में स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने आधार कार्ड में कोई भी अपडेट करवाते हैं जैसे मान लीजिए अगर आप अपने नेम में कोई भी करेक्शन करवाते हैं या आप अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाते हैं या अगर आप अपने पिताजी का नाम या कुछ भी अगर आप चेंज करवाते हैं अपने आधार कार्ड में तो उसका स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका जो जो चेंज आपने करवाया था वो चेंज हो चुका है या नहीं हुआ है उसका स्टेटस आप चेक कर सकते हैं जैसे बहुत सारे लोग अपना करेक्शन अपने आधार कार्ड में करवा लेते हैं और वो लोग बोलते हैं कि एक हफ्ते दस दिन में हो जाएगा लेकिन फ्रेंड एक हफ़्ते दस दिन में भी उन का नहीं हो पाता है तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही चेक कर सकते हैं कि आपका जो आपने करेक्शन करवाया था वो अपडेट हो चुका है या नहीं हुआ है तो आप स्टेटस देख सकते हैं अपने घर बैठे अपने मोबाइल से तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आप चेक कर सकते हैं तो फ्रेंड अपने आधार कार्ड के अपडेट का स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना होगा तो यहां पे मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया हूँ क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना होगा यू आई डी आई डी ए आई डॉट जी ओ वी डॉट इन यहां पे देख सकते हैं आ गया उसके बाद इस पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं आधार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है तो फ्रेंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे आ जाएंगे डायरेक्ट आपको कुछ भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा आपको नीचे आना होगा और नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर ही लिखा रहता है गेट आधार उसके बाद अपडेट आधार और यहाँ पे और नीचे आएंगे तो आधार सर्विसेज तो आपको अपडेट आधार में ही एक ऑप्शन मिलेगा देख सकते हैं चेक आधार अपडेट स्टेटस मतलब आपने कोई भी अपडेट करवाया है अपने आधार कार्ड में उसका स्टेटस आप चेक कर सकते हैं कि आपका अपडेट हुआ या नहीं हुआ तो इस पर क्लिक कर दीजिए क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं चेक आधार स्टेटस इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं बोल रहा है ई आई डी नंबर यहाँ पे अपना जो भी आपने चेंज करवाया है तो वहाँ पे एक स्लिप मिला होगा उस स्लिप पे ई आई डी नंबर लिखा होता है मतलब वो नंबर होता है चौदह अंक का आप चौदह अंक का जो नंबर है वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा उसके बाद यहाँ पे डेट एंड टाइम यहाँ पे इस पर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं इस कोने वाले पे इस पर आप क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना डेट और टाइम यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं ले ले रहा हूँ यहाँ पे यहाँ पे मैं आ, चार तारीख ले ले रहा हूँ चार उसके बाद यहाँ पे आपको अपना टाइम सेलेक्ट करना होगा कि कितने बजे आपका अपडेट हुआ है उस स्लिप पे लिखा होता है जैसे मान लीजिए अगर दस बज के दो मिनट पे हुआ है तो यहाँ पे आपको दस करना होगा दस बज के दो मिनट या आप जैसे मान लीजिए अगर पाँच ही मिनट पे हुआ है चाहे दो मिनट पे ही रहने दीजिए अगर दस बज के दो मिनट पंद्रह सेकेंड पे हुआ है तो आपको पंद्रह सेकेंड यहाँ पे करना होगा जो भी स्लिप पे लिखा होगा वो यहाँ पे कर लीजिएगा करने के बाद इसी तरह से छोड़ दीजिएगा देख सकते हैं पाँच सात दो हजार इक्कीस आ गया और यहाँ पे आपको घंटा मिनट सेकेंड सब कुछ अलग मिला लेना होगा उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डाल देना होगा जो भी यहाँ पे लिखा है कैप्चा कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं चेक स्टेटस पे आप क्लिक कर दीजिएगा क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कंग्रेचुलेसन योर आधार इज जनरेटेड तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा अगर आपका भी इस तरह से आ जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि आपने जो चेंज करवाया है जो अपडेट करवाया है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है अगर आपका यहाँ पे कुछ और लिख के आता है इन प्रोग्रेस या कुछ और लिख के आता है तो ये आप समझ लीजिए कि आप, आपका जो अपडेट आपने करवाया है जो भी करेक्शन करवाया है वो अभी हुआ नहीं है अगर इस तरह से कंग्रेचुलेसन लिख के आ चुका तो आप ये समझ लीजिए कि आपने जो भी अपडेट करवाया है वो अब अपडेट हो चुका है और उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हैं तो फ्रेंड कुछ इस तरह से आप चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल से ही कि आपने जो अपडेट करवाया है वो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है तो फ्रेंड आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा तो फ्रेंड इस वीडियो में बस इतना मिलते हैं अगले वीडियो तब तक के लिए जय हिंद बंद